जो हम मतलब इसको जिसको हम पता है एक नॉर्मली जमान में जिसको कहते हैं एक पत्थर के है उसको एक छवि है एक सूरत है जो उसको बनाया गया है जो बेसिकली आपकी ग्रोथ को इंसानी जो जनरेशन को उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया ये उसके वो शिव की मतलब बेसिकली समंदर थे जब वो जहर के पहले के वक्त जब वो निकला जा रहा था तो उस वक्त ये छवि मतलब मिली थी हमें कि आपको जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए आपको जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये छवि मिली थी जिसके चारों तरफ एक जगह पर उन्होंने इबादत की थी उसको ही जो दिया जी पानी और जो दूध और उसकी इबादत जैसे हम करते हैं फिर आप फल फ्रूट वगैरह जो भी होते हैं उसके साथ ग्रहण करके हम इबादत करते हैं। अच्छा वो बेसिकली ये है कि जैसे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था मतलब जो धरती से ये पानी खत्म हो गया था ये हमारा कॉन्सेप्ट था हमारा दुनिया जब वो खत्म हो गया था तो गंगा को जो है वो आसमान से उतारा गया था तो वो गंगा जब वहाँ से उतरी थी जब वो फैल पानी जमीन पे आ गया था वो इतना बह गया था कि वो मतलब दुनिया डूबने लगी तो उसके बाद क्या किया था फिर उसको शिव को बोला गया कि इसको रोको फिर उसने अपनी जटाओं से या बालों से उसको जो है वहाँ पे रोका तो अगर आप वो देखते आप देखते होंगे कि उन्होंने अपने जटाओं पे उन्होंने अपने बालों से उसको रोका हुआ है उसके बाद वो फिर रोक गई थी जिसकी वजह से जमीन मतलब सैलाब या जिसको वो ख़त्म हो गया बेसिकली बोला किसका सांप। हाँ। ये सांप जो है ना ये बेसिकली हमारा बिलीव है कि जो शिव है वो हमेशा जो है ना वो मसालों में रहते हैं जहाँ हमारे जो डेड बॉडी होती है जहाँ जलाते हैं वो उनकी राख के साथ उनके फैलते हैं और शिव जो है इसके ऊपर है शीशनाग वो अपने गले में अपने जो है जो भी मौत के कारण चीज़ें होती है ना वो अपने गले में कभी आपने देखा होगा उसको जो है वो खोपड़ियों के उसके पास वो होगी कभी देखा होगा कि शीशनाग को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपने वो अपनी पावर दिखाने बेसिकली हमारे जो प्रॉफिट को कहते हैं वो मारने वाले के ऊपर ये इस तरह का हमारा काम शिव ये इसलिए है कि ये इसके ऊपर एक है कि जब काली माता मतलब एक मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए मतलब एक जरा कोई हुआ था प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो काली माता की इज्जत हुई थी तो वो अपनी पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए निकली तो अगेन शिव के उसको मतलब वो कोई रोक नहीं सकता तो वो फिर सारे प्रॉफिट ने मिलकर फिर शिव को कहा था कि आप ही हैं जो उनको रोक सकते हैं तो वो जब शिव उसके पास आए तो वो उनकी मतलब उनकी आंखों पर इतना खून या इतना वो था कि उनको कुछ नज़र नहीं आया तो मजबूरन उन्होंने अपने आप को उसके सामने निकाल दिया फिर मतलब वो दुनिया को बचाने के लिए वो जब लेटे तो उन्होंने जब पाँव उसके ऊपर आया तो वो उनको फिर फीलिंग हुई कि ये क्या चीज़ है तो फिर उनको पता कि शिव आया तो वो फिर वो दुनिया को वो उन्होंने आगे जो है कतलेआम से रोकने के लिए जो वो कतलेआम भी था वो बेसिकली जो बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये दिया गया है कि बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जब काली माता निकलती है तो उसको फिर कोई नहीं रोकता। आपने कभी ड्रामों में देखा होगा कि औरत को वो कहते हैं काली का रूप बन गई तो काली का रूप मतलब ये होता है कि जब वो अपनी मतलब ताकत दिखाने जाती है बुराई को ख़त्म करने के लिए उठती है तो उसको हम कहते हैं काली का रूप। ये सात जन्म तो शादियों के साथ फेरे होते हैं हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं कि हमारे ये जन्मों जन्म का जन्म हो तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि आपका रीबॉर्न जो है रीबर्थ की जो है हमारे पास वो एक बिलीफ है तो जब रीबर्थ का बिलीफ है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हम सात जो शादी के फेरे देते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये जो है सात फेरों के साथ उनके साथ हम शादी के बंधन में साथ बांधते हैं ये इस दुनिया की सात बंधनों का बंधन है। सर मेरा सवाल है कि मैंने सुना है पाकिस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे छवि नहीं होती कुछ भी नहीं होता वहाँ पे जाके लोग बैठते हैं और ध्यान करते हैं लेकिन हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे छवि बनाई जाती है तो असल एक चीज़ है क्या छवि या फिर विदाउट छवि जहाँ मंदिर में जाके बैठ के लोग ध्यान करते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बता दूँ जैसे कमल का जो है इंडिया में एक दिल्ली में एक मंदिर है कमल का कहते हैं कमल का फूल का मंदिर है वहाँ पर कोई छवि कुछ नहीं एक्चुअली क्या है सारी जो चीज़ें मेडिटेशन के ऊपर बिलीव करें अब उस मेडिटेशन में क्यों होता है जैसे इस्लाम में होता है कि आपको कोई छवि या कोई चीज़ नहीं रखते आप मेडिटेशन
मेडिटेशन डायरेक्ट गॉड से अपने आप को अपना मिलाती है। मेडिटेशन आपका एक्चुअली सारा जो आप जितने मजहब जो हैं सारा मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जिसे हमारे मजहब में ये होता है कि जो शबी की जो तस्वीर दी गई थी वो इसलिए दी गई कि आपका लोगों के लिए जो कंसंट्रेशन थी वो डेवलप नहीं हो पा रही, फोकस नहीं हो रहा पा रहा था अपनी बिलीव को एक जगह पर लाने के लिए, तो उनके लिए फिर एक शबी दी गई कि उन्होंने कहा कि भाई ये शबी है जिसके ऊपर फिर उन्होंने जाहिर अपने आप जब आप देखते हैं कंसंट्रेशन करने के लिए आपको करीबन कोई जो है जैसे हिप्नोटिज्म भी होता है वो दिए की लो जलाते हैं, तो दिए की लो जला के अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करते हैं। इसी तरह अपनी कंसंट्रेशन अपने आप को खुदा से मिलाने के लिए एक जरिया बनाया गया, ये तो वो नहीं था कि मतलब हमारा एक जरिया बनाया गया था जिसको अपने इसमें भी हम खुदा देख रहे हैं। जैसे एक बदले दिए तो ना हर एक दिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, दियो की डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकती है मगर उसकी रोशनी एक होती है, मजहब मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उसकी रोशनी एक होती है। ये हमारा जो बिलीव है हम आग को पाकाई के तौर पे लेते हैं, पाक लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है हम देखते हैं कि हमेशा आप दिया जलता हुआ मिलता है। हमारे मजहब में आग का बहुत बड़ा जन्म है, जैसे हम जलाते भी हैं तो अपने जो